केरल के डीजीपी के दावे के बाद अब श्रीदेवी की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीजीपी ने दावे में श्रीदेवी के निधन को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। मामला बढ़ता देख बोनी कपूर ने इस मामले पर बयान भी दिया। अपने बयान में बोनी ने सभी दावों को बकवास बताया। हालांकि यह मामला नहीं है कि जब टीवी एक्ट्रेस की मौत पर सवाल खड़े हो, इससे पहले भी कई एक्ट्रेस हुआ जिनके निधन पर सवाल हो चुके हैं। अमर अकबर एंथनी दीवार जैसी फिल्मों का हिस्सा रही परवीन बाबी के जीवन का अंत गुमनामी के साथ हुआ। 1986 में रिलीज हुई फिल्म अविनाश के बाद वो फिल्मी पर्दे से दूर हो गई। उन्होंने फिल्म पार्टी में शिरकत करना बंद कर दिया। 55 साल की उम्र में उनकी लाश जुहू के अपार्टमेंट में मिली थी। उनकी मौत भी गुमनामी में हुई। तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्म में एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत 19 के बरस में हुई। दिव्या भारती की मौत 5 मंजिला इमारत के गिरने की वजह से हुई। हालांकि उनकी मौत पर आज भी रहस्य है कि उन्होंने सुसाइड किया या दुर्घटना थी। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म निषेध में जिया खान की चर्चा में थी। फिल्म में जिया 60 साल की उम्र वाले अमिताभ बच्चन के प्यार में पड़ गई थी। साल 2007 में डेब्यू करने वाली जिया उसके बाद 2 फिल्में में दिखी। 2010 में फिल्म हाउसफुल में उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की या हत्या की, अभी तक ये सवाल उलझा हुआ है। PM News 24 की रिपोर्ट।